से 14 साल पहले की मैं जब बात सोचता हूं, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था, लोगों ने तो इतना मजाक बनाया, लोगों ने कहा कि वेस्टीज का नाम वेस्टीज नहीं, इसका नाम एंड आई वांट टू से टुडे हाउ थ्रिल्ड आई एम टू हैव वर्क्ड विद हीरो दासगुप्ता'स टीम वेस्टीज. जुगाड़ जब आप करते हो ना तो आप रियलिटी को एस्केप करते हो और भाग जाते हो. जिस दिन हिंदुस्तान ने प्रोसेस समझ ली, ये आपने आज इतना तामझाम लगा, ये प्रोसेस बन गई ना, अब आपको जीवन भर आपके बच्चों के बच्चे भी यहाँ पे शूट कर लेंगे. आज एमबीए चावला का फ्रेंचाइजी प्रोसेस हो गया, एमबीए चावला अकेडमी का प्रोसेस पाइपलाइन बन गया. अब मैं रहूं ना रहूं, भाई रिलायंस का आज अगर मुकेश अंबानी जी रहे ना रहे, रिलायंस चलेगा. उन्होंने पाइपलाइन बना दिए. जिस इंसान ने अपने धंधे में, अपने काम में, अपने रोजमर्रा में पाइपलाइन प्रोसेस सिस्टम बना दिया, फ्रेमवर्क बना दिया, उसकी सक्सेस को रोक के साथ हुआ ही कुछ ऐसा था तो मुझसे एक व्यक्ति ने आके पूछा कि मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है, ताकि लोग याद करें. नहीं, मैं क्राउन थी, जब क्राउन थी फिर कमाल भी बोले, हर बात कमाल भी से कमाल भी पूछ के जो करो बोले कर देती मैं. फिर कमाल भी बोले भाभी आप कर सकते, अगर करना चाह रहे हैं तो यूसीडी कर लीजिए. बोले तो थोड़ा सा काम था, कर लिए, हो गया. होती है तो लोगों की जुबान पर एक ही नाम आएगा और वो नाम होगा. मैंने कहा कि आज के 5 साल के बाद जब कोई भी पूछेगा कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, कीमत कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो नाम होगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज मैंने उस टाइम पे कही थी कि आज के 5 साल के बाद जब लोग पूछेंगे कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए तो लोग बोले वेस्टीज के लीडर्स की तरह. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ये 14 साल का सफर जो था वो आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई. आपको पता है कभी डीमोनेटाइजेशन, कभी जीएसटी. जिस पल बहुत संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं. हर अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का, नया पाने का मकसद गति देता है. सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं और वो आपके सहयोग के करके. नहीं सिर्फ हम हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, दुनिया में जो 100 टॉप 100 कंपनीज हैं उनके अंदर वेस्टीज का नंबर 92 है और वो आपके करके है. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हमने 14 साल पहले कहा था कि कंपनी कैसी हो, वेस्टीज जैसी हो, एजुकेशन सिस्टम और सब कुछ, वो तब था हमारे भारत के, हमारे देश के कंसर्न में, क्योंकि हम भारत की लार्जेस्ट कंपनी बनना चाहते थे. आप लोगों को, जिनको वेस्टीज के अंदर पूर्ण विश्वास है और उन्होंने वेस्टीज को एज ए कैरियर चुना है, और जो लोग इसमें आके आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो विजन है हमारा, जो विजन है कि 2025 में हम दुनिया की टॉप 10 कंपनीज के अंदर होंगे, हम हिंदुस्तान के अलावा 50 और देशों में होंगे और हमारा ग्लोबल टर्नओवर होगा 20,000 करोड़. Beep.